हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। तो व्लॉग की शुरुआत हुई नाश्ते के साथ। मैंने सोचा कुछ ना कुछ खा के और फिर आपको घुमाया जाएगा जयपुर में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। One hour later. और गाइज अब ना शाम का हो गया समय और मैं और अपने उत्तम भैया जो है ना वो चले सब्जी लाने के लिए। क्या लाएंगे आज सब्जी में? देखो केली केड़ी अपना वो कुकाए हुए हैं तो सब्जी ला रहे हैं। एक बार गर्मी बहुत भयंकर है यहाँ पे जयपुर में, बड़ी बेजा ही है, पूछे मत आप। बस अंदर रहो, मौज करो, मस्ती करो, सो जाओ। आंटी मुझे आंटी क्या कहो यार। और गए सब्जी लिए ले और ये जो है ये मोल भाव कर रहे हैं अभी तो। चकलो सर अब चलो, ये ले लिए चार, ये गोभी के फूल ला के चल रहे हैं हम बच्चे घर की तरफ। तो गए जो है ना मैं और उत्तम भैया, ये वकील है अपने, एडवोकेट है उत्तम जी। अगर कोई यहाँ पे कुछ पवाड़ा पै जाए ना, कोई केस कास हो जाए, कोई मुकदमा लग जाए, कोई विवाह संबंधी समस्या हो, कोई तलाक है, कोई दहेज प्रथा, कोई और घूमते हैं और क्या क्या हो, मतलब कोई भी हो तो आप तुरंत बता देना। वकील है अपने, जाने माने वकील हैं यहाँ पे जयपुर हाई कोर्ट के, और इनके साथ निकले हैं एक बार घुमाई पे गेड़ी रूट पे, थोड़ा घूमेंगे, फन करेंगे, फिर आके सो जाएंगे। वो गोभी खा के वो ले ही आए, पता है आपको जी बात। तो ये गए जी, ये जो अपनी गुलाबी जो नगरी है ना, जिसे अपने जयपुर बोलते हैं, उसका विहंगम दृश्य है। जहाँ पे अभी शाम को ट्रैफिक वगैरह वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑफिस वगैरह से आते हैं सब लोग, तो ईंटे में ना वो जाम में फंसने का डर रहता है। और कुछ लोग जो है ना वो वैसे जाम में फंसे फंसाए आते हैं, तो उनका भी वो क्या रहता है कि मतलब फंडा रहता ही है। अब देख लो ये लगा हुआ है जाम, आगे जाम का नाम लिया और जाम हाजिर, ये बात है भैया। तो गए जी ये लगी हुई है बत्ती और ये गुड़िया, ये कुछ मांगनी ले आजा आजा ये लो। ओके थैंक यू। लो टबरो ही जड़े ले बता, फोटो नहीं। और ये बत्ती हो चुकी है गाइस ग्रीन, और अब अपने चांप देते हैं जेगवार के पीछे पीछे। ये देखो ये लोग जेगवार ले आए हैं, और अपने पास क्या है कि आप वीडियो को शेयर वगैरह करते नहीं हो, चाय पानी के भी पैसे नहीं आते हैं यार, क्या यार ये अच्छा नहीं होता ना। लोग जेगवार में घूम रहे हैं और अपने लाली पड़ी हुई है पैसों की, वीडियो वगैरह शेयर किया करो आप, अभी करो इन्जॉय। और गए जी ये ना अब अपने आ गए हैं भीम भैया के फ्लैट पे, जहाँ पे भीम भैया से करेंगे कोई मुलाकात वांछनीय। ये मयंक मेंशन बनी है इतनी, ये बात है। ये टू टू कर रही है, अपने टू टू कर देते हैं बंद। टू आवर्स लेटर। तो गए जी भीम भैया से हो गई है वांछनीय मुलाकात अपनी बढ़िया। टैक्सी नंबर कहाँ में टैक्सी का है, देख लो पैसे पैसे आते नहीं है। ये यूट्यूब वाले तो चाय पानी के नहीं देते, सेम सेम कुछ कमाना पड़ेगा ना। कलर सेम सेम मैचिंग हुआ है, और अब भैया जो है वो ड्रॉप करने आए हैं, एक बार और मस्ती मार आते हैं, नारगढ़ नूरगढ़ जाएंगे। अभी वो आपको दिखाने लायक नहीं होगा, वो बात पर्सनल है, चलते हैं। ओके बाय जी भाई, बाय। ओके अरे ये सेवा और दी है भीम भैया ने, ठीक है। और गैज यहाँ की अगर नाइट लाइफ आपको दिखाए तो न तो भैया चने खा रहे हैं बढ़िया नाश्ते के लिए, चने मंगा रखे हैं न तो भैया ने स्पेशल। और यहाँ पे आ गए हम CNG डलवाने के लिए, तो लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। हमारी बारी आएगी इस टेम्पोड़े के बाद में, अब हम कर रहे हैं इंतजार। जी बात है, मतलब कितने मूर्ख लोग रहते हैं यार यहाँ पे। ये बंदा गाड़ी का ड्राइवर है, टंकी के पास में खड़ा है, और ये CNG फटने के डर से देखो गाड़ी से तो निकल गया लेकिन टंकी के आगे खड़े। अगर ये यहाँ से अगर टैंक बाय द वे भगवान ना करे अगर फटता है तो कैसी कैसी लोग रहते हैं देखो। हाँ अंदर बैठा, दूर था कुछ ना कुछ टंकी से, अभी तो पास में ही आ गया बिल्कुल। ये देख लो ड्राइवर था, ये तो अपनी बारी आ गई, अपने उतर जाते हैं अभी क्योंकि ऐसी टंकी अपने है। और ये गाइस अपनी बारी जो है वो आ चुकी है, और नथु भैया कर रहे हैं स्कैन, और ये जो CNG की प्रोसेस है वो चालू है।
उधर वो बच्चा पलटी भी आई हुई है, टेम्पो में भी डाली है सीएनजी। तो जिसमें आई है अपने 992 रुपए का सीएनजी टैंक हो गया अपना फुल। अब हम सारे हैं नहीं, ये बात है। ये गाइस एयरपोर्ट की तरफ रास्ता, तो हमने डिसाइड किया है नथु भैया ने अपने जो ये ड्राइवर उन्होंने बोला है कि यहाँ से अपने दिल्ली जाएंगे सीधा फ्लाइट में। एक बार देखते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती है तो क्या पता दिल्ली वहाँ पे टिकट करवा दें सीधी, फिर दिल्ली से सुबह वापस पाछे। जी बात है, चलते हैं एक बार। तो गए जी आ गए अपने यहाँ पे पत्रिका गेट पे। बड़ा खूबसूरत जो दृश्य है यहाँ का नाइट का, देख सकते हो आप, अच्छा है। अपने को V2 नहीं जाने क्या अपने को? यहाँ पे ये पाव भाजी फू भूजी छोटे मोटे जो रेडियां वगैरह वो बहुत सारी लगी हुई है, यहाँ पे घूम रहे हैं। और इधर घूम घाम के इधर उधर जाके रमाए नाइट में, तो मैंने देखा कि हमारा जो मुंड भैया है वो नाइट में बाहर निकाल रहा है। मैंने इसका रीजन पूछा तो ये रीजन में इसने ये सफाई दी है कि भैया दिन में टाइम नहीं मिलता, मतलब अजीब ही नमूने हैं यहाँ के।